मसूरी में धुमनगंज कंपनी गार्डन के पास एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में दोनों युवक और युवती को बड़ी मशक्कत से निकाला गया। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें पेश आई। वहीं दोनों लोगों को गंभीर हालात में मसूरी के लंढौर कम्युनिटी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों को 108 और निरंकारी मिशन के एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हायर सेंटर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात को युवक और युवती जीप पर चांडाल घड़ी अपने घर जा रहे थे। अभी तक जानकारी हुई है कि ड्राइवर था, उसके अलावा एक लड़की थी और लड़के का नाम गप्पू बता रहे हैं, जबकि उसके पिताजी का नाम पता है बालम सिंह है और लड़की का भी नाम पता नहीं लग पाया। दोनों को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी वहाँ से पता करके हम बताएंगे कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। क्यों पुलिस जैसे ही मौके पर आई तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले, और अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया जा रहा है, क्रेन को बुलाया जा रहा है, उसके माध्यम से रोड से इस गाड़ी को हटवाया जाएगा और एक सर्च ऑपरेशन चला करके देखा जाएगा कि और कोई व्यक्ति तो इसमें नहीं है। ये तो मेडिकल से पता लगेगा कि बाकी ड्रिंक किए हुए था या नहीं था, या कोई दूसरी गाड़ी क्रॉस कर रही हो ऊपर उसकी वजह से हादसा हुआ हो। अभी इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, ये उन लोगों की कमिटमेंट के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या था और क्या नहीं था। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।